श्रापित चुड़ैल दुल्हन। ये क्या, पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे बाप रे, आगे पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पायल की झनकार आ रही है, कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं? वो डर के मारे तेजी से चल रहा था। उसके पीछे एक चुड़ैल दुल्हन भी पीछे पीछे चल रही थी। सुनिए पतिदेव जी, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। अरे बाप रे, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे मेरे पति परमेश्वर, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? रुकिए, मैं भी आऊंगी। इस तरह वो चुड़ैल एक साया बनकर कैलाश के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे अपने आवेश में ले लेती है। किसी तरह कैलाश अपने घर पहुंचता है, लेकिन अगली सुबह उसका बदन बुखार से तप रहा था। सुनिए जी, हमारे बेटे को उसी चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया है। अगर 3 दिन के भीतर कोई तांत्रिक या ओझा नहीं मिला तो हमारा भी बेटा मृत्यु की गोद में सो जाएगा। कुछ कीजिए, मैं अपने एक लौते बेटे को खोना नहीं चाहती। हाँ भाग्यवान, मुझे पता है, मेरा भी पुत्र है ये। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं उतना करूँगा। मैं आज किसी तांत्रिक को किसी तरह यहाँ लेकर आता हूँ। ये कहकर भोला तांत्रिक की तलाश में वहाँ से निकल जाता है। और अगर वो 3 दिन के भीतर किसी तांत्रिक को लेकर नहीं आएगा तो वो चुड़ैल उसके बेटे के शरीर से सारा खून चूस कर उसे मार डालेगी। और अगर कोई तांत्रिक उसका इलाज करता है तो वो चुड़ैल उसे छोड़कर उसी भूतिया मार्ग में वापस लौट जाएगी। लेकिन शायद भोला की किस्मत अच्छी थी, उसे एक ब्राह्मण ओझा मिल जाता है जिसे वो लेकर अपने घर जाता है। ओम क्रीम हूँ ही, ओम क्रीम हूँ ही हूँ फट, ओम क्रीम कालिके स्वाहा, ओम ही हूँ फट स्वाहा, भूत प्रेत पिशाचिनी चली जा यहाँ से, ओम फट स्वाहा। अब कोई खतरा नहीं है, मैंने आपकी बेटे की कलाई पर एक ताबीज बांध दिया है, उसे चुड़ैल ने छोड़ दिया है। अब हम आपके बेटे की जान बचाने में सक्षम हुए क्योंकि ओझा जी हमें समय पर मिल गए। हाँ मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। स्वामी जी, अब आपको किसी तरह से हमारे गांव के लोगों को उस चुड़ैल से बचाना होगा। देखिए, मैं सिर्फ भूतों चुड़ैलों से छुटकारा दिला सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भूत को भस्म नहीं कर सकता। इसके लिए किसी महान तांत्रिक का होना जरूरी है। क्या कोई ऐसा है बाबा? हाँ, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक महान तांत्रिक मौजूद है, आप वहाँ चले जाइए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जाने अनजाने में दोनों गांव के लोग अमावस के दिन उस चुड़ैल का शिकार बन रहे थे। और ये सब देखकर दोनों गांव के मुखिया उस भूतिया मार्ग पर एक चेतावनी का बोर्ड लगा देते हैं और सभी अंधेरा होने से पहले वहां से चले जाते हैं। वहीं धर्मपुर गांव से काफी दूर पर एक कांचीपुरा नामक शहर में दो भाई रहते थे, किशोर और बंसी। छोटा भाई बंसी बड़े भाई को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। एक दिन बंसी कॉलेज की छुट्टियां होने से शीतल अपने गांव चली गई। भाई, मैं किसी तरह से माँ और पिताजी को संभाल लूंगा, तुम जाकर भाभी से मिलाओ। अपने छोटे भाई द्वारा दिए गए साहस के कारण वो साइकिल पर धर्मपुर गांव के लिए रवाना हो गया। और उस दिन अमावस्या थी। उसे सरहद के रास्ते पर पहुंचते ही चेतावनी का बोर्ड दिखाई दिया। चेतावनी, इस गांव में अमावस्या की रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई भी इस मार्ग का प्रयोग न करे, बहुत खतरा है, चुड़ैल के हाथों मारे जाओगे। गांव के लोग अभी भी ये अंधविश्वास और भय के साथ जी रहे हैं। ये सोचकर वो अनदेखा करते हुए आगे चला गया कि तभी वहां पर एक चुड़ैल पेड़ के ऊपर अपने पैर फैलाए बैठी थी। किशोर को साइकिल पर जाते हुए देखकर वो चुड़ैल कहती है, आ गया मेरा पति, अब मैं इसी के साथ अपने ससुराल जाऊंगी। इस तरह वो पेड़ से उतरकर किशोर का पीछा करती है। सुनिए पति जी, मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? रुकिए, मैं भी आती हूँ।
कौन है? कौन है? कौन हो तुम? मैं आपकी पत्नी और आप मेरे पति परमेश्वर। आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? रुकिए, मैं भी आऊंगी। हे भगवान, जैसा बोर्ड पर लिखा था लग रहा है ऐसा सच में इस रास्ते पर चुड़ैल का साया है। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो चुड़ैल दुल्हन उड़ते हुए उसके अंदर समाहित हो जाती है और किशोर वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह होते ही कुछ गांव वाले किशोर को देखकर उसे अपने साथ मुखिया जी के घर पर ले आते हैं। ये लड़का कौन है? ये दोनों तो हमारे गांव में से नहीं है, क्या आप में से कोई इसे जानता है? वहाँ किसी को भी वो व्यक्ति कौन था इसकी जानकारी नहीं थी। इसके बाद मुखिया की सलाह पर दोनों गांव में ढिंढोरा पिटवाया गया। इस तरह ढिंढोरे को सुनकर बहुत से लोग किशोर को देखने जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो कौन है। तभी उस ढिंढोरे को सुनकर शीतल को किशोर की याद आ जाती है और वो भागकर मुखिया जी के घर जाकर देखती है। किशोर, तुम इस गांव में क्यों आए? अब कोई कैसे भी करके मेरे किशोर को बचा लो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बेटी, तुम्हारे किशोर को बस पहाड़ी वाले तांत्रिक ही बचा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। 80 किलोमीटर जाना होगा और किसी भी तरह 3 दिन के भीतर ही उन तांत्रिक बाबा को यहाँ लाना होगा, नहीं तो हमारे किशोर को कोई नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ किशोर के अब तक न आने के कारण बंसी चिंतित होकर उसकी तलाश में निकल जाता है और उस ढिंढोरे की आवाज से वो मुखिया के घर के पास भी आ जाता है, जहां वो अपने भाई को देखता है। वहां पर शीतल बंसी को सारा मांजरा समझा देती है, जिसके बाद बंसी कहता है, मुखिया जी, मैं जाऊंगा 80 किलोमीटर साइकिल चलाकर उन तांत्रिक बाबा को लाने। शीतल भाभी, आप चिंता मत कीजिए, भैया को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहिए। मैं किसी भी हाल में कल की सुबह होने से पहले उन्हें यहाँ लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद बंसी तांत्रिक बाबा को लेने निकल पड़ता है। वो लगातार 80 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए बाबा के पास पहुंचता है और उन्हें अपने साथ लेकर वापस आता है। आप सभी थोड़ा दूर हो जाइए, ये एक बहुत ही ताकतवर चुड़ैल है। इस तरह वो किशोर के शरीर के सामने कुछ आवाहन मंत्र बोलता है और किशोर के शरीर में मौजूद चुड़ैल को आदेश देता है। मुझे बताओ, तुम कौन हो और क्यों इन गांव वालों के ऊपर इस तरह अत्याचार कर रही हो? बताती हूँ, लेकिन क्या इससे आप मेरे पति को दे देंगे? हाँ, लेकिन पहले तुम्हारे साथ जो हुआ वो बताओ। मेरा नाम वसुंधरा है, मैं हेमलता गांव की रहने वाली थी। मेरी शादी धर्मपुर के निवासी शंभू से हुई थी। मेरे पिताजी ने बताया कि शंभू बहुत अमीर है, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं है और हमारे रिवाज के अनुसार शादी होने तक मैं दुल्हे को नहीं देख सकती हूँ। मेरे चेहरे और दुल्हे के चेहरे को फूलों से ढक दिया गया। वहीं हमारी शादी मंदिर में आयोजित की गई थी। चमेली के फूलों की मालाओं के बीच झांकते हुए देखा तो मेरे होने वाला पति सफेद कपड़े पहने हुए था। यात्रा करते हुए सभी थक गए, इसीलिए कुछ देर आराम करने के लिए पालकी को नीचे उतार कर सभी सो गए। दुल्हा अकेले चुपके चुपके जंगल में जाकर आत्महत्या करने के लिए फांसी लगाने ही वाला था कि उस रास्ते से आ रहे किशन ने ये देख लिया और चाकू फेंक कर मेरे दुल्हे की जान बचा ली और पूछा, मैं जुओ में बहुत पैसे हार गया, गांव में घर और खेत गिरवी है, इन सब से अनजान मेरे पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। अगर मैं कल शादी करके गांव में जाऊंगा तो मेरा भांडा फूट जाएगा, मैं एक नशेड़ी और जुआरी हूँ, ये सबको पता चल जाएगा। बिना घर और खेत के मैं उस लड़की का पालन पोषण कैसे करूँगा? अब मेरा मर जाना ही एकमात्र रास्ता है, मुझे मर जाने दो। पैसे खो देते हैं तो वापस कमा सकते हैं, लेकिन जीवन खो देने से हम वापस नहीं पा सकते। इस तरह सोने के सिक्कों का थैला देकर, मैं सोने का व्यापार करता हूँ, लो इससे अपना कर्ज चुका दो और फिर कभी जुआ मत खेलना। सोना लेकर वापस आ रहे दूल्हे को लालच आ गया। जब ये मुझे इतना सारा सोना दे सकता है तो इसके ठेले में और भी सोना होगा। ये सोचकर लालच के कारण वो किशन को मार देता है और ऐसा करते हुए उसके होने वाली पत्नी वसुंधरा देख लेती है, जिसके कारण वो उसे भी मारकर एक पेड़ से फंदे पर लटका देता है।
मैं चाहता था कि तुम मेरे पीछे आओ, इसीलिए मैं तुम्हें देखते हुए ही जंगल में गया था। बेवकूफ, अगर मैं फांसी लगाने जाऊं तो तुम मुझे आकर दया दिखाओगी और मुझे अपने सारे गहने दे दोगी। सोचा इस गांव से भाग जाऊंगा, लेकिन बेचारा वो किशन वहां आया और मेरा शिकार बन गया। ये सब जानने के बाद तुम्हें भी जीवित नहीं रहना चाहिए, मर जाओ। वो जाकर अनजान बनकर सो गया। अगले दिन सभी ने सोचा कि मैंने फांसी लगा ली, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। नाक कट गई ये सोचकर मेरे पिता गुस्से में मुझे पेड़ के नीचे दफना कर चले गए। मैं सिर्फ उस शख्स का नाम जानती हूँ, मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। इसलिए कोई भी सफेद कपड़ों में आता है तो मैं उसे जान से मार देती हूँ। बेटी, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन जो तू उस दुष्ट के कर्मों की सजा बाकी मासूम लोगों को दे रही है वो भी गलत है। बता बेटी, तू यहाँ से जाने का क्या लेगी? बाबा, मुझे शंभू को सिर्फ सौंप दीजिए, उसे मारकर मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ठीक है। जिसके बाद तांत्रिक अपनी शक्तियों द्वारा शंभू को वसुंधरा के सामने खड़ा कर देता है, और जैसे ही वसुंधरा शंभू को अपने सामने देखती है तो वो बोल ही रहा होता है कि वो उसे जान से मार देती है। जिस बाद वो अपना बदला लेकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, और इस तरह उन दोनों गाँव में उस चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है।